वंदे मातरम दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा होगी मूलांक 6 भाग्यांक 6 की। जी हाँ दोस्तों, जिन जातकों का मूलांक 6 और भाग्यांक 6 हो, यानी ड्राइवर नंबर भी 6 और कंडक्टर नंबर भी 6, मूलांक का स्वामी ग्रह भी वीनस और भाग्यांक का स्वामी ग्रह भी वीनस, जिन जातकों ने जिन मेरे सब्सक्राइबर भाइयों ने दोस्तों ने मेरे इस वीडियो को जो देख रहे हैं उनसे मेरी बेनती है कि वो मूलांक 6 पर जो मैंने वीडियो बनाया रखा है उससे वो अवश्य देखें, ताकि उन्हें ये कम्बिनेशनों को समझने में बहुत आसानी हो। यदि उन्होंने अभी तक मेरे बनाए हुए मूलांक 6 के वीडियो को नहीं देखा तो वो ज़रूर मूलांक पर बने हुए मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, जो मैंने मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक सभी मूलांकों पर वीडियो बनाई है। वो वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको ये कॉम्बिनेशन समझना काफ़ी आसान रहेगा। दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि क्या ये मूलांक 6 और भाग्यांक 6 का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन है, शुभ कॉम्बिनेशन है या कैसा कॉम्बिनेशन है। दोस्तों आगे भी वीनस पीछे भी वीनस, जब डबल वीनस हो गए तो इस कॉम्बिनेशन को मैं अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मानूंगा। दोस्तों ये एक शुभ कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ शुक्र बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हो गया है, शुक्र ग्रह को बहुत ज़्यादा शक्ति मिल गई है। दोस्तों क्योंकि आगे भी शुक्र है पीछे भी शुक्र है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन शुभ नहीं माना जाएगा दोस्तों, और ऐसे जातक प्राय व्यसनों में लिप्त हो जाते हैं। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन जीवन में सफलता देने में बहुत संघर्ष कराने वाला, सफलता इन्हें मिल भी जाती है तो इन्हें कार्यों में सफलता मिल जाती है, लेकिन जीवन में ये व्यसनों में प्राय फंस जाते हैं ऐसे मूलांक और भाग्यांक जिनका 6 और 6 है। दोस्तों ये मूलांक 6 और भाग्यांक 6 को मैं किसी भी कीमत पर एक शुभ कॉम्बिनेशन इसीलिए नहीं मानता हूँ कि शुक्र को बहुत ज़्यादा बल मूलांक और भाग्यांक 6 और 6 होने से मिल गया। यदि आपने मेरे वीडियो मूलांक 6 को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता लगा होगा कि मूलांक 6 के जातकों का स्वभाव कैसा होता है। उस स्वभाव में भाग्यांक 6 और मूलांक 6 जब मिल जाते हैं बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, और इन पर हमेशा कल्पना में खोए रहने के कारण ये डिप्रेशन के शिकार होकर ये नशों के गुलाम तक हो जाते हैं प्राय, यदि इन्होंने मजबूत लकी नंबरों का सहारा नहीं लिया तो। जहाँ तक बात है दोस्तों कामयाबी की, तो कामयाबी तो इन्हें मिल जाती है, कामयाबी तो इन्हें मिल जाती है, बट इनका जो डोमेस्टिक लाइफ है, घरेलू जीवन है, वहाँ पर इन्हें कुछ मजबूत अंकों का अगर सहारा नहीं लिया तो मैं इस कॉम्बिनेशन को अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मानता हूँ। अब इनके लिए वो कौन से, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं बताता हूँ कि कौन से वो लकी नंबर इनके लिए रहेंगे जिससे वो अपनाते हैं जीवन में, तो वो इनके लिए लाइफ में इनको डोमेस्टिक लाइफ में इनको सहयोग प्रदान करेंगे। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर होगा इनके लिए नंबर 1, सन की ऊर्जा इनके लिए बहुत ज़रूरी है, और सन की ऊर्जा से ये कार्यशील रह सकते हैं और इमोशन से बाहर आ सकते हैं, अन्यथा ऐसे जातक बहुत जल्दी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर इनके लिए नंबर 5 में रहेगा, 5 को और नंबर 1 को ये अधिक से अधिक अपने जीवन में इस्तेमाल करें, और तीसरा नंबर नंबर 9 की शक्ति का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 9 नंबर का भी, इन 3 नंबरों के अधिक से अधिक उपयोग से अपने डोमेस्टिक अपने घरेलू जीवन को ये सुखमय बना सकते हैं। यदि ये 3 तिथियों को जीवन में अधिक से अधिक जगह देते हैं, इन 3 नंबरों को जीवन में अधिक से अधिक उपयोग में लाते हैं ऐसे जातक,
तो उन्हें जीवन में, घरेलू जीवन में भी उतनी सफलता मिलेगी जिन्हें इन्हें आर्थिक स्टेज पर, आर्थिक मंच पर सफलता तो इन्हें मिल जाती है, लेकिन जब बात आती है इनके अपनी लाइफ की, अपने घरेलू जीवन की, वहाँ पर ऐसे जातक प्राय बहुत ज़्यादा असफल देखे जाते हैं। तो वहाँ सफल होने के लिए इन्हें इन मजबूत नंबरों का सहारा लेना होगा, जिससे इनके जीवन में स्थिरता आ जाएगी और जीवन इनका सुखमय हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये चर्चा मूलांक 6 और भाग्यांक 6 पर आपने बहुत ध्यान से सुनी समझी, इसके लिए अजीत का आपको दिल से धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।